भाजपा सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चाहे झूठी दुहाई दे दे, लेकिन जिले में पनपे निजी चिकित्सालयों में मरीजों को एक तरह से लूटा जाता है, जिसके तमाम उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं। इसी तरह का एक और उदाहरण आया बछरावा क्षेत्र के धुलंडी गांव से। जी हां, आपको बता दें कि धुलंडी गांव निवासी शीला तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई है कि ITI गर्ल्स कॉलेज के सामने स्थित अपेक्स ट्रॉमा सेंटर कोतवाली नगर रायबरेली ने उसके पिता जयशंकर पांडे के 10 दिन के इलाज के नाम पर 3.5 लाख का बिल बना दिया और उसके पिता का इलाज भी ठीक से नहीं किया। शीला का कहना है कि उसके पिता के पेट में दर्द था, उसके बाद भी जब उसने अस्पताल के पूरे रुपए जमा करके अपने पिता को डिस्चार्ज करा लिया, जिनका अब रायबरेली एम्स में इलाज चल रहा है और अब उनकी स्थिति स्थिर है। इस अस्पताल के बिल लेकर शीला स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन के चक्कर काट रही है कि आखिर अपेक्स अस्पताल ने ऐसा कौन सा इलाज किया जिसका रोज का बिल 30,000 रुपए के आसपास आया। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा इस वक्त रायबरेली के तिलक भवन यानी कि कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय में। यहाँ पे दो एक महिला एक पुरुष जो है जो कि बुआ भतीजे हैं, एक शिकायत दर्ज कराने आए हैं कि यहाँ पे रायबरेली जनपद के डॉक्टरों ने जो है 10 दिन के ट्रीटमेंट का 3.5 लाख का बिल बना दिया। बीमारी केवल थी कि जो है इनके पिताजी और उनके दादाजी के पेट में गैस बनी हुई थी, उसका बिल जो है एक हॉस्पिटल ने 3.5 लाख का बना दिया। आइए पूछते हैं कि क्या बीमारी थी और क्या बिल बना इनका जो है। मैम, क्या नाम है और कहाँ रहने वाली है, बताइए हमको। मेरा नाम शीला तिवारी है, मैं बछरावा की रहने वाली हूँ। बछरावा में रहती हैं कहीं और रहती हैं आप? बछरावा में शादी हुई है और दिल्ली में रहती हूँ मैं। दिल्ली में रहती हूँ। कौन एडमिट है आपके? मेरे पापा एडमिट हैं। क्या हुआ? मेरे पापा को पेट में दर्द हुआ था बस, और कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी बहन अकेली थी और उनको कुछ पता नहीं था यहाँ के बारे में, तो हमारे परिवार वालों ने बताया कि यहाँ लेके जाइए। तो हम लोग यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल लेके आ रहे थे, हमारे रिश्तेदारों ने भी बताया था कि आराध्य हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन हमारे जो परिवार वाले थे उनका शायद कुछ कांटेक्ट होगा, तो उन्होंने बोला कि अपेक्स हॉस्पिटल ले जाइए और वहाँ पे ना इनका बढ़िया बेहतर इलाज होगा और पैसे भी कम लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, सारा जो भी बताया था सारा झूठ निकला। कहानी बस वही है कि जो है दिल्ली की रहने वाली हैं और यहाँ के रायबरेली जनपद के कस्बे में रहती है, बछरावा के कस्बे में रहती हैं, तो इनको जानकारी नहीं थी, इसलिए कह सकते हैं कि जो है जो ये स्वास्थ्य विभाग का जो माफिया तंत्र चल रहा है, जो दवा माफियाओं का जो मकर जाल चल रहा है, उसमें चंगुल में फंस गए। और एक 10 दिन में, इनका कहना है कि 10 दिन में, हम पूछ लेते हैं कि जो है कितने दिन भर्ती थे आपके पिताजी? 10 दिन, 7 तारीख को भर्ती हुए थे, 7 जुलाई की शाम को, और 17 जुलाई को रेफर किया है। और क्या कितने का बिल बना है? 3-3.5 लाख तक का बिल बनाया है, बिल हमारे पास हैं सारे। यही मैं कहना चाहता था कि 10 दिन में 3-3.5 लाख का बिल, यानी कि अगर रोज़ का हिसाब जोड़ा जाए तो 35-30 हज़ार रुपये रोज़ का बनता है। तो आखिरकार डॉक्टर साहब क्या इलाज करेंगे कि 35-30 हज़ार रुपये रोज़ खर्चा भी हुए और जो है मरीज़ को आराम नहीं मिला, मरीज़ जो है आज किसी अन्य अस्पताल में इलाज करा रहा है। R9 भारत से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। अपना परिचय बता दें जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है, मैं चुल्हा का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा? सरेनी। क्या मामला है, ये कौन है आप? ये मेरी बुआ है, मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब हुई थी, पेट में सिर्फ गैस बनी थी और बीपी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो हम उन्हें पास के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ लेके गए, तो उन्होंने वहाँ से रेफ़र करा कि आप ले जाइए इनको जिला हॉस्पिटल। तो हम जिला हॉस्पिटल जा रहे थे, उससे पहले हमारे कुछ रिलेटिव बीच में मिले, उन्होंने बोला ये हॉस्पिटल सजेस्ट करा कि इस हॉस्पिटल में लेके जाए, यहाँ पे पहचान वाले हैं, आपका बिल भी कम लगेगा और सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो हम लोग तो थे नहीं यहाँ पे, कुछ लोग हमारे परिवार के लेके आए और वहाँ पे एडमिट करा दिया, अपेक्स हॉस्पिटल। तो क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई? उनको दिक्कत ये हो गई कि उनका ट्रीटमेंट तो करा गया पर वो ट्रीटमेंट उनके लिए बिल्कुल, उनको राहत नहीं मिली, हमसे पैसे भी लिए गए बेफिजूल के पैसे, हम डिस्चार्ज करने का बोलते थे डिस्चार्ज भी नहीं करते थे, सिर्फ ICU का चार्ज बढ़ाया है, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार की एक दिन में दवा आती थी और दवा पूरी लगती भी नहीं थी, रिटर्न वापस जाती थी मेडिकल में, वही मेडिकल हम और वही दवा हमें वापस बेची जाती थी। अच्छा, कितने का बिल बनाया? उन्होंने 3-3.5 लाख लगभग, अभी काउंटिंग नहीं करी पर इतना लगभग बिल बना दिया। पापा दादाजी? दादाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम वहाँ उनसे लड़ झगड़ के डिस्चार्ज करवा के जैसे तैसे बहुत बहुत बहसबाजी करी, बहुत उन्होंने पैसों के चक्कर में दुर्व्यवहार करा, ट्रीटमेंट बंद कर दिया, मेडिसिन नहीं दी,
धमकी भी दी, कहते ज़मीन बेचो कुछ भी करो हमें पैसे दो, अदरवाइज़ हम आपके पेशेंट को बाहर निकाल के फेंक देंगे, रोड पे कर देंगे, पुलिस बुलाएंगे, जो भी करेंगे। फिर उन्हें डिस्चार्ज हम जैसे तैसे करा के जिला ले गए, जिला से एक रात वहाँ रोका, फिर उसके बाद एम्स में रेफ़र करवाया। एम्स में उनकी कंडीशन ऐसी थी कि उन्हें ना ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ना किसी चीज़ की ज़रूरत थी, इन्होंने जबरन की मशीनें लगा रखी थी, सिर्फ मशीन लगा के इन्होंने और ट्रीटमेंट ऐसा करा है। उनके पैर में वीगो लगा लिए जबकि उनके पैर की कोई दिक्कत नहीं थी, उनका पैर ख़राब हो गया है उस वीगो के चक्कर में। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सीला तिवारी है, मैं बचरावा की रहने वाली हूँ। बचरावा क्या है मामला? मामला मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, बस हल्का सा पेट में दर्द हुआ था तो हम यहाँ अपेक्स हॉस्पिटल में लेके आए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमारे परिवार वालों ने बताया था कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, यहाँ पे इलाज करवा लो। वहाँ पे लेके गए तो हमारा एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने 3-3.5 लाख का बिल बना दिया। उसके बाद हमारे मरीज को आराम भी नहीं हो रहा था और हमने कहा भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम आगे इलाज नहीं करवा पाएंगे, तो वो मतलब डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे थे और इलाज भी सही से नहीं हो रहा था, और अगर बाहर निकालते थे तो बेहोश करके निकालते थे। और फिर हम वहाँ लेके गए सरकारी हॉस्पिटल, ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा की तो हॉस्पिटल लेके गए सरकारी, तो वहाँ बिल्कुल ठीक थे, वहाँ पे ना ऑक्सीजन था ना आईसीयू, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद मैनेजर और डॉक्टर हम लोगों को धमकाते थे, अपने पर्सनल कमरे में ले जाके धमकाते थे, पैसे मांगते थे। अच्छा, कितना पैसा भुगतान किया वहाँ पे? लगभग 3-3.5 लाख तक का किया हमने। अच्छा, पापा कहाँ हैं? पापा अभी हमारे एम्स में हैं और बिल्कुल सही हैं। तो ये डॉक्टर अब क्या कह रहे हैं? ये एम जो ये क्या लिए, कौन सा कागज है ये? ये तो बिल हैं सारे। अच्छा, एक दिन में कितने की दवा होती थी आपके पापा की? एक दिन में 20,000 की दवा होती थी और 10,000 बेड चार्ज, और जो जांचें वगैरह होती थी वो अलग। और कितने दिन भर्ती थे? 10 दिन भर्ती थे। 10 दिन में 3.5 लाख का? हाँ, और उसके बाद भी हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, हमें दिक्कत हो रही है, तो बोलते थे कि प्रॉपर्टी बेचो, चेक काट के दो, जो भी मर्जी हो कुछ भी करो।